कल की टू मूवी में राणा दग्गुबती निभाएंगे ये किरदार, देखकर फैंस हुए हैरान। दोस्तों, कल की टीम में हनुमान के रूप में एंट्री मारेंगे राणा दग्गुबती और एवेंजर्स की तरह टाइम ट्रैवल दिखाएंगे, जिसमें कलयुग को शुरू होने के पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का फेस रिवील होगा, जो साउथ मेगा स्टार महेश बाबू करने वाले हैं, और प्रभास को मूवी के पार्ट टू में पूरी तरह से कर्ण के रूप में दिखाया जाएगा, और पार्ट टू में विजय देव कोंडा, जो मूवी में अर्जुन हैं, वो प्रभास यानी कर्ण के साथ फिर से लड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये एक टाइम ट्रैवल करके दिखाया जाएगा। कल्कि के पार्ट वन का विलेन यासीन इंसान को भगवान बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे भगवान कृष्ण का डीएनए चाहिए, और उसे ढूंढने के लिए वह मूवी की एंडिंग में वह खुद निकल पड़ा है। अब कल्कि पार्ट टू का नाम होने वाला है कल्कि 3102B C3102, यानी कि वो साल जहां से कलयुग की शुरुआत हुई थी। असल में ये वही सेम डेट है जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। अगर फ्यूचर में कली को हराना हो तो शुरुआत अतीत से ही करनी होगी। कल्कि के अगले पार्ट में टाइम ट्रैवल दिखाया जाएगा, जो अतीत 302 BC में जाकर राजा परीक्षित और असुर कली की मुलाकात को ही बदल देगा। आपको बता दें कि यहां से ही कलयुग की शुरुआत हुई थी, तो अब राजा परीक्षित वही हैं जिनको अश्वत्थामा ने रानी उत्तरा के पेट में ही ब्रह्मास्त्र चलाकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन यह राजा परीक्षित की ही गलती थी, जिस वजह से असुर कली को इंसानों के दिमाग में घुसने का मौका मिल गया और पूरा कलयुग तैयार हो गया। तो इस इवेंट को होने से रोकने को ही कल्कि के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा, और यहीं पर एंट्री होगी हनुमान की, यानी राणा दग्गुबती के रूप में। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, और जब कलि वर्सेस कल्कि का युद्ध लड़ा जाएगा तो इनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट होगा, कल्कि के अवतार को विजय बनाने में। संभाल के सीन्स में भगवान हनुमान के स्टेटस सेवियर गार्जियंस की तरह गेट पर दिखते हैं, जो सबकी रक्षा कर रहे हैं। फिल्म में भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ एक डायलॉग भी है, जिसमें हनुमान जी का जिक्र भी होता है। महाभारत की सबसे बड़ी राइवलरी फिल्म के पार्ट टू में दिखाया जाएगा, जहां हमें कर्ण वर्सेस अर्जुन एक बार फिर देखने को मिलेगा, या कृष्ण के हाथों में अर्जुन का सबसे शक्तिशाली गांडीव था, जिसको भगवान ब्रह्मा ने खुद अपनी शक्ति से बनाया था। लेकिन महाभारत के युद्ध में इनके सामने एक और अस्त्र खड़ा हो गया था, भैरव के हाथों में कर्ण का धनुष बाण, जिसको भगवान परशुराम ने उन्हें भेंट किया था, जिसे असल में भगवान शिव ने ही बनाया था। अर्जुन का गांडीव वर्सेस कर्ण का विजय बाण, यह फिर से वही महाभारत रिपीट होने वाली है, और पिछली बार जीत जिसकी हुई, अगर वह दोबारा हुई तो असुर कली ही जीत जाएगा। पार्ट वन में मूवी का मेन विलेन सुपर ह्यूमन बनने का फॉर्मूला ढूंढ रहा है, जिसका एक ड्रॉप उसे मूवी के एड में भगवान कृष्ण के डीएनए से मिल गया है। कली जानता है कि एक समय भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार कल्कि लेकर इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं, और इस कलयुग को खत्म कर देंगे। कली का मिशन कलयुग में ऐसे सुपर ह्यूमन को बनाना है, जो कभी मरते ही ना हो, जो कभी बूढ़े ना होते हों, और जो सिर्फ कली की सेवा करने चाहते हों। ऐसी ही दुनिया का सपना पूरा करने के लिए कली ने यास्मीन को चुना है, जो कभी एक जीनियस साइंटिस्ट होता होगा, जिसका सबूत फिल्म के अंदर कई सीन्स में है।